अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक को लेकर तेजी से प्रयागराज जा रही है पुलिस। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकती है पुलिस। यूपी पुलिस के काफिले में 45 सदस्य टीम मौजूद है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद को। 28 मार्च को MPMLA कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज की जेल की तरफ बढ़ रही। साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच सकती है पुलिस की टीम। तो जगह जगह पर कुल बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर पुलिस को रुकना था। सबसे पहले अगर कल से अब तक की सीनरियों की बात करें तो अतीक अहमद जब साबरमती जेल से वहां से चला, फिर इसके बाद पत्रकारों ने अतीक अहमद से पूछा क्या डर लग रहा है, तो अतीक अहमद ने कहा कि किस बात का डर। फिर इसके बाद कल की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, तो उन्होंने कहा कि बाबा की गाड़ी पलट जाती है, उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया होगा, लेकिन अब काफिला आगे बढ़ रहा है।